देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सीमांत खटीमा विधानसभा के झनकैया क्षेत्र में लगने वाले वार्षिक गंगा दशहरा मेले का शुभारंभ आज हो गया है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी के द्वारा विधि विधान से मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर धामी ने मेले में आई एक वृद्ध महिला के हाथों फीता कटवाकर इस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मेला समिति के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर गीता धामी को सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए गीता धामी ने समस्त क्षेत्रवासियों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले इस गंगा दशहरा मेले की शुभकामनाएं दी। इसके बाद धामी के साथ मौके पर उपस्थित अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने मेले में घूमकर मेले का आनंद लिया। इस दौरान धामी ने मेले में बिक रही जलेबियां लेकर व न केवल स्वयं खाई, साथ ही मेले में बिक रहे हस्तशिल्प से निर्मित उत्पादों की खरीदारी भी की। मीडिया को जानकारी देते हुए धामी ने बताया कि इस मेले का आयोजन काफी पहले से ही होता आ रहा है। ये क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है, जिस कारण यह गंगा दशहरा मेला न केवल क्षेत्रीय जनता के आकर्षण का केंद्र है, साथ ही इस मेले में बड़ी संख्या में नेपाल से भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने एवं मेले का आनंद लेने आते हैं, जिससे दोनों देशों की संस्कृतियों के संबंध उजागर होते हैं। इस अवसर पर धामी ने सभी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा एवं गंगा दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। मेले का शुभारंभ तो पूरे जोर शोर से हो गया है। हालांकि शारदा नहर में मरम्मत का कार्य चलने के कारण नहर में पानी अपने सबसे निचले स्तर पर है, जिसको लेकर आने वाले तीर्थयात्रियों में जरूर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, परंतु मेला समिति के अधिकारी मेले में सारी व्यवस्थाएं ठीक करने की बात कह रहे हैं। आज गंगा स्नान गुरु मूर्ति पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारा जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है, क्योंकि सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल सीमा और यूपी की सीमा जो है वहाँ पर पड़ती है, और वहाँ से भी कई लोग यहाँ पर इस मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मेला रहता है और बहुत दूर दूर से हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो स्थानीय व्यापारी हों चाहे बाहर के हों, वो सभी लोग इस मेले में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी सामग्रियों को बेचते हैं और सभी लोग खुशी से इस मेले को यहाँ पे आकर के मनाते हैं, और जिससे हमारा भारत और नेपाल का जो मैत्री संबंध है वो भी जो है मजबूत होता है, और सभी लोग इस मेले के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और अपने संबंधों को जो है और मैं समझती हूँ कि उन संबंधों को और मजबूती मिलती है। ये बहुत खुशी का दिन है कि आज इस मेले का शुभारंभ